छिंदवाड़ा जिला के चौरे विधानसभा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत रामगढ़ की गौशाला में पशु विभाग के जिला उप संचालक डॉक्टर पक्षवार ने एक टीम गठित कर निरीक्षण के लिए श्री साई गौशाला रामगढ़ भेजा। हम आपको बताते हैं कि लगभग चार दिन पहले जनप्रतिनिधि उप सरपंच मिश्री लाल तिकराम ने मीडिया को जानकारी में बताया था कि श्री साई गौशाला के सामने कैंपस से अत्यधिक कीचड़ है और मुख्य मार्ग से गौशाला तक कीचड़ है एवं अन्य जानकारियां मीडिया को बताया, जिसकी खबर एनबीसी न्यूज चैनल में प्रकाशित की गई। खबर का असर हुआ है और पशु विभाग ने गौ माताओं के लिए सूत 3 सदस्यीय टीम गठित कर श्री साई गौशाला रामगढ़ का भौतिक सत्यापन एवं निरीक्षण किया गया। निरीक्षण टीम ने गौशाला में ही मीडिया को जानकारी में बताया है कि वीडियो के माध्यम से खबर प्रकाशित कर प्रशासन को सूचित किया गया था कि श्री साई गौशाला रामगढ़ में अव्यवस्था है, हमें प्रशासन ने निरीक्षण करने भेजा है। मैंने भौतिक सत्यापन किया है जिसमें शिकायतें सही पाई गई है। मुख्य मार्ग से गौशाला तक आने में समस्या है, कीचड़ ही कीचड़ है और कैंपस के अंदर भी कीचड़ है। कीचड़ की समस्या हल किया जाना अत्यंत आवश्यक है। क्षमता से ज्यादा गौशाला में गौ माता है, अभी 187 गौ माता है। अव्यवस्था को देखते हुए तत्काल ही टीन शेड निर्माण करवाना अत्यंत आवश्यक है। जन प्रतिनिधि उप सरपंच मिश्रीलाल तिकराम ने बताया है कि हमने जो शिकायत मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन को गौशाला की समस्याओं के अवगत कराया था वह सही पाई गई। जांच अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि अव्यवस्था को जल्दी ठीक किया जाएगा और समय समय से हमारे द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। अध्यक्ष जन अधिकार सेवा समिति गौ सेवक संदीप रघुवंशी ने भी अपील की है कि गौशाला की अव्यवस्थाओं के लिए शासन प्रशासन ध्यान दे और सुधार करे एवं छिंदवाड़ा जिला की सभी गौशाला में निरीक्षण कर वहां की कमियों को पूरा करने की कोशिश करे। आगे उन्होंने गौ सेवा के लिए बहुत कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। गौशाला में क्या क्या समस्या देखें? मीडिया के द्वारा प्रशासन को वीडियो भेजकर सूचित किया गया था अव्यवस्थाओं के बारे में जी, तो हमें प्रशासन ने निरीक्षण करने के लिए भेजा है जी। मैंने आकर के भौतिक सत्यापन किया है, जो शिकायतें की गई थी उसमें अधिकांश शिकायतें सही पाई गई हैं जी। जैसे पहली समस्या थी कि मुख्य मार्ग से गौशाला तक आने में काफ़ी कीचड़ है, तो उस कीचड़ की समस्या को हल किया जाना अत्यंत आवश्यक है जी। गौशाला के कैंपस में भी लगभग आधे कैंपस में कीचड़ है जी, उसे भी हल किया जाना अत्यंत आवश्यक है। अंदर की सफाई भी, अभी हम आए थे तो आज नहीं हो पाई है, पता चला है कि सफाई कर्मचारी बीमार है, ऐसी स्थिति में कम से कम दूसरे कर्मचारी को बुलाया जाना चाहिए था जी। तो जो समस्याएं बताई गई थी वो सही तो पाई गई हैं जी। अभी हमको जानकारी लगी कि यहाँ पहले यानी कि 155 गाय थी और अभी सरपंच सचिव ने यहाँ पर और अधिक जो आवारा घूमती थी गाय उनको यहाँ लाके छोड़ दिए हैं। हाँ, लगभग वर्तमान में 187 पशु हो गए हैं जी, जबकि शासन की मंशा केवल 100 पशुओं के आधार पर गौशाला का निर्माण किया गया था जी। तो ये पाया गया है कि क्षमता से ज़्यादा पशु तो हो गए हैं, आता है अगर अगर हमारे जो कैंप खुला कैंपस है उस खुले कैंपस की जो साइज है 300x25 स्क्वायर फीट का अगर एक टीन सेट बना दिया जाता है जी, तो उसमें फिर लगभग 200 पशु रखे जा सकेंगे और फिर थोड़ा सुचारू रूप से काम चल पाएगा जी। इसके विस्तार के लिए कुछ बताएं? नहीं, यहाँ पर मांग शासन से रखेंगे कि ऐसा टीन सेट बनाया जा सकता है ताकि 200 पशु लगभग रखे जा सकते हैं, तो वो शासन लेवल का काम है कि अगर मांग पूरी हो जाती है तो हो सकता है सुधार हो जाए जी। सर, यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग स्वसहायता समूह पर आरोप लगाते हैं कि यहाँ आते नहीं, क्या आप स्वसहायता समूह से मिले हैं? देखिए, स्वसहायता समूह से मैंने संपर्क किया है जी, कुछ गलतियाँ मैंने स्वसहायता समूह की पाई हैं, स्वसहायता समूह ने मुझे स्वीकार अपनी गलतियों को स्वीकारा भी है। मुझे उनकी स्वसहायता समूह का एक अच्छा काम बहुत अच्छा तारीफ काबिल है, जिसका जिक्र करना चाहूँगा, जो अपने गौशाला के निर्माण के समय गोहान बनाए गए थे जी। दोनों गोहान बहुत ही कमजोर हालत में थे, एक बार बीच में आके देखा था लगभग टूट चुके थे, तो स्वसहायता समूह ने नए गोहान बनाए हैं, बहुत अच्छी हालत में बनाए हैं, इस मामले में वो तारीफ के प्रशंसा के काबिल हैं। और उन्होंने स्वीकार किया है कि जो मुख्य मार्ग से गौशाला तक का जो रोड उनकी कीचड़ हो गया है, उस कीचड़ के लिए उन्होंने 1 हफ्ते का समय मांगा है। उन्होंने कहा है कि हम 1 हफ्ते में इस समस्या को दुरुस्त करने की पूरी कोशिश करेंगे जी। सर, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि यहाँ की जो पंचायत है, पंचायत के सचिव सरपंच कहते हैं कि यह हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता, इस संबंध में बताएं। सर बिल्कुल, वो काफ़ी हद तक तो वो सही कह रहे हैं, उनके कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, क्योंकि ये जो गौशाला का निर्माण शासन ने किया था, स्वसहायता समूह उसके रख रखाव देख रेख के लिए बनाई गई है, तो ग्राम पंचायत पर ऐसा कोई फंड तो नहीं आता है गौशाला में खर्च करने के लिए, पर ग्राम पंचायत में चूँकि गौशाला स्थित है तो वो स्वविवेक से अपना कर सकते हैं, स्वविवेक से पंचायत या फिर जो सम्मानित सदस्य लोग हैं वो सहायता सहयोग कर सकते हैं जी। सर जी, भाई साहब, अभी पशु विभाग से अधिकारी आए हैं निरीक्षण के लिए गौशाला में, उन्होंने क्या क्या आने की यहाँ पर अव्यवस्था देखी और उनके किन बातों से आप सहमत हैं?
छिंदवाड़ा से पशु चिकित्सालय से जो उच्च अधिकारी लोग आए हुए हैं, हमने 8-10 दिन पहले जो यहाँ की यथास्थिति से शासन को अवगत कराया था व्यवस्था से जी। तो वहाँ आके इन्होंने देखा कि हमने जितनी सारी जो मीडिया में शिकायत किए हैं वो 80-90% सही पाई गई, जिसमें अधिकारी लोग भी सहमत हुए और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसको 8 दिन के अंदर यहाँ की व्यवस्था के सुधार करेंगे और समय समय पे आके हम निरीक्षण करेंगे जी। और जितना हमसे प्रयास होगा हम हमारे उच्च अधिकारी और विभागीय जो SDO वगैरह जो होते हैं उनसे हम और अतिरिक्त व्यवस्था की मांग करेंगे। नमस्कार। छिंदवाड़ा जिले की चौरी विधानसभा क्षेत्र में रामगढ़ में स्थित साईं गौशाला जो कि कई वर्षों से संचालित है, वहाँ हम लोग गए भ्रमण के लिए। कई ग्रामीणों ने भी संपर्क करके हमें ज्ञापन दिया था। वहाँ देखा कि गौ माता 150 से भी ज़्यादा वहाँ पर, अन्य जगह से जो भी गौ माता वहाँ आती हैं तो उनका रखरखाव किया जाता है, परंतु प्रशासन द्वारा उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए हमने माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय जिला पंचायत CO, माननीय SDM चौरई, माननीय जनपद CO और पशुपालन विभाग की गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद जी, मेरे DDA अक्षवार साहब, इस प्रकार और भी जनप्रतिनिधि को और क्षेत्र के प्रमुख लोगों को हमने जानकारी में लाया है। और जनाधिकार सेवा समिति के माध्यम से मैं मांग करना चाहता हूँ कि चौरई की ही नहीं बल्कि पूरे छिंदवाड़ा जिले की गौशालाओं की स्थिति दयनीय है और उस पर और ध्यान देने की ज़रूरत है। बारिश का मौसम है, वहाँ जाने के लिए सड़क, गौ को पीने के लिए पानी, शुद्ध पानी और भोजन के लिए चारा और जो भी घास फूस जो भी रहता है भूसा उपलब्ध कराया जाए, और ख़ास करके जो गौ के रहने के लिए आवास के लिए जो व्यवस्थाएँ हैं वो सुदृढ़ की जाए, क्योंकि बारिश के मौसम में चारों तरफ से पानी भी आता है, पक्की गौशाला भी है तो उसके आसपास गंदगी कीचड़ खेत होने के कारण भी गीलापन आ जाता है जिससे पशुओं को अव्यवस्था होती है। और पशु अधिनियम भी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने लागू किया है, गौवंश पे भी रोक लगी है, कई प्रकार की घटनाएं अभी जैसे सिवनी में भी सुने। तो इस प्रकार अगर हम सजग रहेंगे और जनता को जोड़ देंगे, समिति में ऐसे समाज सेवकों को जोड़ने का की अपील करता हूँ कि जो रखरखाव भी करें और निस्वार्थ भाव से सेवा करें, ताकि हमारी गौ माता यदि सड़क पर आती हैं घूमने फिरने गौचर के लिए तो उनको पकड़ के लाने के लिए भी कोई लोग जिम्मेदारी लें ग्राम समिति के माध्यम से। तो इस प्रकार गौशाला अच्छी चले उसके प्रबंधन के लिए मैं अपील करना चाहता हूँ जिला प्रशासन से और समाज सेवियों से भी, और जो गौशाला के संचालक हैं जिन्होंने जिम्मेदारी के साथ सब्सिडी ले रहे हैं, ऐसे महानुभावों से मेरा विनम्र निवेदन है कि जब जाकर के आप प्रैक्टिकली देखेंगे तब समझ में आएगा कि वास्तव में हमारी गौ माता कितनी समस्या में है। गौ माता बोलती नहीं है तो क्या हुआ, मगर हमको महसूस करना पड़ेगा क्योंकि हम गौ सेवक हैं, गौ भक्त हैं। तो इस प्रकार से मैं अपील करना चाहता हूँ जनता से, समाज सेवकों से, प्रशासन से और जहाँ तक मेरी बात जा रही है उनसे कि वो गौशालाओं पर ध्यान दें। जिनको गौशालाओं की जिम्मेदारी है, जिनका कर्तव्य है, वो जाकर के खासकर शासकीय सेवारत जो हैं वहाँ जाकर के निरीक्षण करें, वहाँ गौ माता का हलचल लें और यदि कोई कमी है तो अपने प्रशासन को अवगत कराएं। हमने आपकी जानकारी में प्रकाश में ये बात डाली है, बहुत दयनीय स्थिति में रामगढ़ की गौशाला हमारी चल रही है। तो मेरा निवेदन है कि रामगढ़ की गौशाला जाकर जिम्मेदार अधिकारी सोध लें और वहाँ की व्यवस्था सुचारू करें, ताकि हमारी गौशालाएँ सुरक्षित रहें, सुचारू रहें और गौ माता हमारी आशीर्वाद दे और गौ माता हमारी मार प्रसन्न रहे, सुखी रहे, ताकि हमको भी कष्ट ना हो देखने वालों को। और एक अपील और करना चाहता हूँ कि जो जैसे हमने अपना जन्मदिन गौशाला में मनाते, सब लोग गौशाला में कुछ ना कुछ गुड़, उनके लिए व्यंजन, उनके लिए आटा, रोटी, भूसा, विटामिन वाली चीज़ें या बाबा रामदेव जी का जो आता है खली, इस प्रकार बहुत सारे आइटम हैं ऐसे गौ माता पसंद करती है। तो मेरा निवेदन है जनता जनार्दन से, हमारे मित्रों से, यदि अपना जन्मदिन मनाते हैं या वैवाहिक वर्षगांठ मनाते हैं, कोई भी खुशियां मनाना है तो आसपास की गौशालाओं में जाकर मनाएं, ताकि उन्हें गौशाला वालों को भी अच्छा लगे और अपने को भी संतुष्टि मिले और पुण्य लाभ भी मिले और साथ में गौशालाओं की स्थिति भी सुधरे और अपने बच्चों को भी पता लगे कि गौ माता
से गले मिलने में, उनसे उनके पीठ में हाथ फेरने में और बहुत सारे रोग दूर होते हैं। कोरोना में तो गौ माता के गोबर ने और गौ माता ने ही हमको बचाया है यहाँ तक। अगर हम जिंदा हैं तो गौ माता की कृपा है। तो इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि गौशालाओं की स्थितियाँ सुदृढ़ होना चाहिए, बहुत अच्छी होना चाहिए और पूरे पूरी सरकार ध्यान दे रही है और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं। मैं उन समाज सेवियों को भी उत्साह बढ़ाना चाह रहा हूँ, उनको पुरस्कृत करना चाहिए, प्रमाणित करना चाहिए। तो मैं कलेक्टर महोदय और हमारे जिले के CEO साहब, जनपद CEO साहब और SDM साहब और पशुपालन विभाग के सभी अधिकारियों से आग्रह करना चाहता हूँ कि छिंदवाड़ा जिले की समस्त गौशालाओं की सूची बनाकर उसके प्रभारी बनाए जाएँ और समय समय पर उनकी व्यवस्थाएँ बनाई जाए, जो बजट आवंटन सब्सिडी जो भी सरकार की सुविधाएं हैं वो उनको ईमानदारी से मिले। गौशालाओं का जो फंड आवंटित है ऊपर से वो मिले नहीं है तो उसके लिए प्रयास करें और हमारे लायक जो भी है वो बताया जाए तो हम भी हमारी समिति के माध्यम से, हमारे क्षेत्र के जनसेवकों के माध्यम से भी यह कार्य करने को तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप सिंह रघुवंशी, अध्यक्ष जनाधिकार गौ सेवा समिति, चौरे विधानसभा, जिला छिंदवाड़ा। जय गौ। NBC न्यूज़ के लिए चौरे से राजेश उइके की रिपोर्ट।